हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही स्पेशल टिप्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपका कान का छेद बड़ा हो गया है तो आप घबराइए नहीं, ये सिर्फ आप उपाय करें अपने कान के छेद को छोटा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बेस्ट टिप्स बताने वाली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मैं पिंकी सिंह आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यूटी गर्ल में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही स्पेशल टिप्स, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से आप अपने कान के छेद छोटे कर सकते हो। तो ये करने में बहुत ही आसान से और सरल से हो गए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके कानों के छेद बड़े हो गए हैं तो आपको ही इस उपाय को करके ही आप छोटे कर सकते हो। तो ये उपाय के लिए आपको ही अपने कानों को अच्छे से पानी से साफ करना है पहले, और उसके बाद में आपको अपने कान के पीछे वाले जो छेद है बड़ा, उसके पीछे की साइड में आपको कोई भी ये डॉक्टर टेप लगाना है, जिससे का आप कोई भी टेप भी लगा सकते हो जो अच्छे से चिपकाना है। अगर आपके पास में नॉर्मल टेप है तो आप उसको भी डबल डबल करके अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जो बैक साइड से आप जो भी चीज़ें भरो कान के छेद में, वो पीछे से फिर ना होना चाहिए या पीछे से नहीं निकलना चाहिए। तो इस तरह से आपको टेप को लगाना है। उसके बाद में आपको अपने कान के छेद में टूथपेस्ट को भरना है, अच्छे से भरना है, और आसपास का एक्स्ट्रा होता है वो आपको कॉटन से साफ कर देना है, और आपको ऐसे ही छोड़ देना है, और आगे से भी आपको टेप लगा लेना है, और ये आपको रात भर ऐसे ही छोड़ देना है। और सुबह जब आप कोई उठो, जब आप अपने ये कान का ये निकाल देना है, और कान को पानी से, नॉर्मल पानी से आपको सुबह धो लेना है, और उसके बाद में आपकी स्किन वहाँ की ड्राई हो जाएगी। तो ड्राई हो जाने के बाद में आपको कोई भी सनलोशन क्रीम लगा सकते हो, चाहे कोई भी आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, इससे का आपको ही अच्छा लगेगा और आपकी स्किन भी सॉफ्ट रहेगी। और इस तरह के उपाय आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, और इससे ही आपकी स्किन धीरे धीरे या छेद पुरने लग जाएगा, और आपका छेद बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो जाएगा छोटा, जो जिससे का आप किसी भी तरह के एयरिंग्स वगैरह पहन सकते हो। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको बस आपको टाइम लगेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और आपका ये कान का छेद एकदम छोटा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, आप ज़रूर करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी टिप्स अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ ऐसी नई टिप्स लेके आपके साथ।